हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के अंदर चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं? जी हाँ, यदि आपके घर में बच्चे हैं और आप भी बहुत ज्यादा मीठे के शौकीन हैं, तो आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा मीठा खिलाते हैं तो ये उनकी सेहत के लिए बहुत सारी परेशानियाँ मुफ्त मिला सकता है। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से जाने कि आपके बच्चे कितने मात्रा में शक्कर खा रहे हैं, और यदि उनकी शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उनके शरीर के अंदर कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। एक शोध से ये बात सामने आई है कि जो भी बच्चे ज्यादा मात्रा में शक्कर का सेवन करते हैं, उनके शरीर में ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, ये सारी चीजें बहुत ही भारी मात्रा में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से छोटी उम्र में ही बच्चों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार इस वजह से छोटे बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज या फिर इंसुलिन जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के खाने के अंदर शक्कर की मात्रा लिमिटेड बने और उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो आपको थोड़ी सी देखरेख करने की जरूरत है। मान लीजिए कि आपके घर में गाजर या फिर सूजी का हलवा बना है, तो आप उसके अंदर शक्कर की मात्रा को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चों को भी हल्की चीनी खाने की आदत धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाएगी, और उसी की वजह से उनकी डाइट में भी काफी ज्यादा अच्छा सुधार आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चीनी की मात्रा काफी कम करें, तो आपको उनके स्वीट्स की मात्रा भी कम करनी चाहिए, जैसे कि चॉकलेट या फिर ब्राउनीज आदि। इन सारी चीजों के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर होती है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए और अपने बच्चों के खाने के अंदर शक्कर की मात्रा को संतुलित करने के बारे में सोचिए। अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर जरूर करिए, और मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।